दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ दो कमाल के प्लेसेट। पहला है ये पुलिस सेट और दूसरा है ये टूल्स फैक्ट्री। दोनों ही प्लेसेट की यहाँ पे करेंगे अनबॉक्सिंग, पड़ताल करेंगे क्या वाकई में इसके अंदर जो सामान है वो हमारे काम का है या नहीं है, जितने प्राइस में मिल रहा है उतने प्राइस में वो वर्थ है या नहीं। सभी चीजों को यहाँ देखा जाएगा, क्वालिटी को यहाँ परखा जाएगा और दिया जाएगा एक जेन्युइन रिव्यू। तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मनु और मैं यहाँ पे करता रहता हूँ टॉयज एंड गेम्स एक्सपेरिमेंट किट और कई तरह के गैजेट्स की अनबॉक्सिंग। तो वीडियो को प्लीज कर दीजिए लाइक और लास्ट तक जरूर देखिए। तो सबसे पहले हम ओपन करेंगे इस पुलिस सेट को। ये आता है इस ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक बॉक्स के अंदर जो काफी कूल लगता है दिखने में। क्वालिटी की बात करें तो ओके ही है, इतना कोई खास भी नहीं है। थोड़ा बहुत यहाँ पे आप देख रहे होंगे ट्रांसपोर्टेशन में ब्रेक भी हो गया है, तो यहाँ से ओपन आप इसे कर सकते हो। उन्होंने लॉक दिए हैं, लॉक काफी थोड़ा सा हार्ड है, इतना आसान नहीं है कि मतलब तुरंत ही खुल रहा है। और ये हो जाता है ओपन और ये देखिए आप इंटरफेस कुछ इस तरह का यहाँ पे इन्होंने सजा के रखा है सामान। एक एक करके सामान को निकालते हैं बाहर। तो सबसे पहले यार इस गन को ही निकाल देते हैं, पुलिस की बात हो रही है तो क्वालिटी वाइज ये गन मुझे काफ़ी अच्छी लग रही है और इसमें साउंड का और लाइट का भी फंक्शन है। एक बार जला के देख लेते हैं। तो दोस्तों बस ऐसा ही है, इसमें बटन दबाओ और ये ढिशाऊँ ढिशाऊँ करता रहेगा, बाकी कुछ हिलता डुलता कुछ नहीं है। यहाँ पे थोड़ी सी लाइट आ रही है तो इसको रख देते हैं साइड में। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे कुछ हमको वॉकी टॉकी जैसा दिख रहा है, वो भी सिंगल पीस, सिंगल ही पीस है तो सिंगल पीस है, बट ये सिर्फ भोपू बजाने वाला है शायद, इसमें कुछ हो नहीं रहा है। तो उसके बाद ये देखेंगे भैया, ये नहीं पता मुझे क्या है, ये डंडा है या फिर ऐसे गन करते हैं इसको। भैया जिसको इसका नाम पता है वो पक्का कमेंट बॉक्स में लिखना। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो हमको यहाँ पे गॉगल्स देखने को मिल जाते हैं और ये ठीक ठाक ही हैं, इतने कोई बुरे भी नहीं है और इतने कोई अच्छे भी नहीं है। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे क्या मिलता है। भाई ये क्या चीज़ है, तो ये जो है कुछ आइडेंटिटी कार्ड टाइप है। ओहो काफ़ी हार्ड है फोल्ड करना, बट यहाँ पे आप अपना कुछ भी आईडी लगा के ये है, यहाँ पे आप अपना नाम वाम लिख के इसे अपनी पॉकेट में रख सकते हो तो थोड़ा सा कूल लगेगा। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे ये टेप लगी हुई, रुको ओके। तो ये है पुलिस का बिल्ला, मतलब होता है ना साइड में वो, तो वो आप लगा सकते हो यार, काफ़ी शाइनी है और प्लास्टिक का है बट काफ़ी अच्छा लग रहा है दिखने में। और ये है मेन भैया कैदियों को पकड़ने के लिए, जब कैदी पकड़ लेते हैं उसके बाद लॉकअप में भी तो डालना है, तो ये है उसका हथकड़ी कह सकते हो। चाबी वाबी भी है क्या इसकी कोई? ओके चाबी भी है इसकी, तो यहाँ पे हमको दो चाबियाँ मिल जाती है इसकी। खोल के एक बार देख लेते हैं किधर को खुलती है भाई, इसकी चाबी होगी शायद, अबे खुल जा, बड़ी दिक्कत हो रही है यार खुलने में, खुल क्यों नहीं रही है। तो दोस्तों यार चाबी का कोई रोल नहीं है, चाबी मैं ज़्यादा मोड़ूंगा तो मुड़ जाएगी, मैंने बहुत कोशिश कर ली। ये सिर्फ ऐसे ही खुल जाता है, ऐसे ही लॉक हो जाता है, ऐसे ही खुल रहा है, ऐसे ही लॉक हो रहा है, तो यार मज़ा नहीं आया ये देख के, ऐसा होना नहीं चाहिए। बट मैंने बहुत ट्राई किया कुछ हुआ नहीं। और ये है एक फालतू सी घड़ी, मतलब बहुत ही बेकार है यार, मतलब क्या है पीछे खाली कर दिया ये। उसके बाद आप देखेंगे तो एक विसिल हमको मिल जाती है, बजा के भी गिर गई नीचे, रुको एक मिनट थोड़े से बजा के देख लेते हैं। ओके तो विसिल तो काफ़ी अच्छे से काम कर रही है, बहुत ही तेज़ बज रही है। और ये लास्ट आइटम यहाँ पे है, तो ये कुछ चिमटी टाइप है, मुझे नहीं पता इसका क्या यूज़ है यार। फिलहाल यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये जो बॉक्स हो चुका है खाली। तो दोस्तों जितनी भी चीज़ें इस बॉक्स के अंदर थी सारी मैंने आपको अच्छे से दिखा दी, आपको आइडिया लग ही गया होगा कि क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट कैसा है। मुझसे पूछोगे तो सब कुछ ओके ही था। इसका जो प्राइस है ना वो है 850 रुपये, तो यार 850 रुपये बहुत होते हैं और उसमें ना इससे अच्छा किट आ सकता है ऐसा मुझे लगता है। फिलहाल ये जो किट है अगर होता 500 के आसपास तो मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, 500 में चलो ओके है कि सब कुछ है, बट उसके बाद भी आप देखेंगे कि इसका लॉक है, जो चाबी किस लगी लॉक सही से नहीं लग रहा है। और यहाँ पे ये जो घड़ी वगैरह की क्वालिटी थी ये पीछे खाली, मतलब थोड़ा बहुत लाइट वाइट 20 रुपये में अच्छा खासा आ जाता है। तो ओवरऑल ये एक ओके ही प्रोडक्ट था। फिलहाल इसको रख देते हैं साइड और करते हैं अनबॉक्सिंग टूल्स फैक्ट्री की। तो दोस्तों ये है बॉक्स टूल्स फैक्ट्री का और ये एक ट्रॉली बैग है, जैसे कि कुछ इस तरह से आप इसे करके ये देखिए, ये इस तरह से आप इसे आगे पीछे कर सकते हो। क्वालिटी वाइज बॉक्स काफ़ी अच्छा है, मतलब बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी का है। सामने की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे बटन है ओपन करने के लिए और ये ओपन हो चुका है। ऊपर आप देखेंगे कुछ टूल्स हैं फर्स्ट लेयर में, तो इसको निकाल देते हैं। और नीचे भी यहाँ पे डबल लेयर है, इसमें भी टूल्स हैं। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे बहुत सारा स्पेस है, अगर आप कहीं पे जा रहे हो तो छोटा मोटा अपना सामान इसमें रख के इसे कुछ इस तरह से कैरी करके लेके जा सकते हो, तो बहुत ज़्यादा कूल लगेगा। अब बात करते हैं इसके साथ में जो हमको आइटम मिले हैं उनकी। तो सबसे पहले ये फर्स्ट लेयर में थी, इसकी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या क्या है, ये देखिए आप हेक्सा ब्लेड है, ये प्लास्टिक का है टोटली, बट क्वालिटी वाइज काफ़ी अच्छा लग रहा है। और
उसके बाद ये कुछ प्लग करने के लिए, चलो कुछ नट एंड बोल्ट भी निकाल लेते हैं यहाँ पे। तो अब आप देखेंगे यहाँ पे दो नेल्स टाइप हमको मिल जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे ये हमारा एक रिंच है और इससे हम कुछ इस तरह से फंसा के ये बिल्कुल फिट आता है और घूमता भी है सही से। ऐसे हमको दो मिल जाते हैं। उसके बाद ये वाला जो फ्रेम है इसको भी खोल लेते हैं। इसमें हमको दो बोल्ट और मिल जाते हैं और ये है हमारा, क्या बोलते हैं ये, इसे आरी पकड़ के खर खर कर इस तरह से लकड़ी काटते हैं जिससे। और ये हमारी ड्रिल, घूमती नहीं है बट ठीक ठाक है। उसके बाद में यहाँ पे ये बहुत ही अच्छी चीज़ है यार, ये है एडजस्टेबल रेंच आप इसे बोल सकते हैं। इसे कुछ इस तरह से घुमाएंगे तो ये देखिए कम हो गया, और इस तरह से आप करेंगे तो ये ज़्यादा हो गया। तो किसी भी साइज़ का नट हो आप इसके ऊपर लगा के उसको फिर घुमा सकते हो, तो एक ही चीज़ से काफ़ी ज़्यादा काम हो सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा चीज़ दिया है इन्होंने यहाँ पे। और लास्ट आइटम जो हमको यहाँ पे देखने को मिलती है वो है ये कटिंग प्लायर आप कह सकते हो, और ये भी काफ़ी बढ़िया है। तो ओवरऑल यहाँ पे हमें इतना सामान मिल जाता है। प्राइस की अगर बात करें तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था 250 रुपये में ये सब कुछ यहाँ पे मिल रहा है, तो मैं इससे काफ़ी ज़्यादा संतुष्ट हूँ। बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव था यह किट और मज़ा ही आ गया भाई देख के। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने दोनों चीज़ों की अनबॉक्सिंग करी और आपको भी आइडिया लग ही गया होगा कि प्रोडक्ट कैसे हैं। फिलहाल ये वाला प्रोडक्ट मुझे ज़्यादा अच्छा लगा क्योंकि 250 रुपये में हमें बहुत कुछ मिल जाता है। फिलहाल इसमें क्या है कि थोड़ा सा प्राइस का इशू है, थोड़ा ओवर प्राइस मुझे यहाँ पे लग रहा है। अगर थोड़ा सा कम होता तो उस प्राइस में ये बिल्कुल सही होता। फिलहाल आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना कि आपको कौन सा प्रोडक्ट इनमें से अच्छा लगा, और है कोई आपके दिमाग में ऐसा पुलिस सेट या ऐसा टूल सेट जो मैंने अनबॉक्स नहीं किया तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं किसी नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। तो दोस्तों यार काफी दिन हो गए शाउट आउट नहीं दिया, तो जल्दी से ये जो मेरा वीडियो था जेलेक्स एक्वेरिया, इसमें टोटल जो यहाँ पे लाइक आप देख रहे हो 2.3 और कमेंट यहाँ पे 430, और यार सारे के सारे काफ़ी अच्छे अच्छे कमेंट किए हैं आप लोगों ने। तो बिना किसी देरी के 30 लोगों के नाम जो है मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किए हैं, तो अब शुरू करते हैं। आन्या गर्ग, जसबीर थिंड, विनय उपाध्याय, भाविक गांधी, गायत्री चचानी, बबीता जैन, फाल्गुनी रतन, जय नरेन गुप्ता, द हॉरर इज कमिंग, हर्षित मयूरा, श्रिया पाटिल, शिल्पी तोमर, सुषमा शर्मा, ममता सेठिया, सैफाली सिंधवानी, प्रियादर्शनी कुमारी, संजय झा, कनु करण, ममता ददीज, भवरलाल जाट, गोपाल सरदार, इस्तियाक अहमद, लक्षिता गर्ग, राजा भाटिया, देवीदास नायक, ए के अलामीन, बसंत दास, नबील वर्ल्ड, प्रवल कुमार, और लास्ट में प्रसंग। तो बाकी और भी शॉर्ट आउट हम आने वाले वीडियो में करेंगे, जिनका नाम नहीं आया वो निराश ना हो। तो आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।